सब लोगों को नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं हमारे मित्रों को और नए लोगों को तिल का तेल के बारे में। तिल का तेल दक्षिण में ज़्यादा होता है, तिल ज़्यादा होता है दक्षिण में, और आंध्र कर्नाटक तमिलनाडु केरला में होता है। तिल के अंदर बहुत विशेषता है, बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स है। उसमें सबसे श्रेष्ठ एकदम इम्पोर्टेंट असली ओरिजिनल ताकत वाली चीज़ है मैग्नीशियम, दूसरा है कैल्शियम। ये दोनों और इसके अलावा बाकी भी चीज़ उसके अंदर है। तिल का तेल ठंडा है, तिल गर्मी है। तिल का तेल तिल से बनाने के बाद वो ठंडा हो जाता है। तिल का तेल सर के ऊपर डाला तो आस्थमा वालों के लिए साइनस प्रॉब्लम जिसका है उसको हमेशा सर्दी पकड़ता है, ऐसे लोगों के लिए लायक नहीं है। तो ये तिल का तेल बाकी लोग जिसको सर्दी नहीं है बाकी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़ा ये तिल का इस्तेमाल करने का ज़रूरत पड़ा तो आस्थमा वालों के लिए आधा चम्मच वो लोग गर्मी में 12 बजे थोड़ा सा डाल सकते हैं। उससे भी अच्छा है आँख के ऊपर डाल देने का, दोपहर में नहीं तो दिन भर 12 बजे, लेकिन रात को और सुबह कम करने का। लेकिन सिसेम ऑयल बोलते हैं तिल का तेल, जिंजली ऑयल करके भी बोलते हैं। ये तिल का तेल का महत्वता बहुत है, अंदर भी लेना चाहिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी करना चाहिए। इसमें पूरा अपना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, नर्वस सिस्टम का ताकत बढ़ाने के लिए नंबर 1 है सिसमें आए। तो अंदर भी पाचन होने के लिए कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, और हार्ट का पूरा मेजर ऑर्गन्स का काम अच्छा होने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शनिंग, पूरा बॉडी का फंक्शनिंग करने के लिए, अच्छा फंक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी काम करता है। इसीलिए हज़ारों सालों से ये तिल का तेल का उपयोग पूरा दुनिया में जहाँ जहाँ होता था वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता था, उसमें दक्षिण भारत भी एक है। ये सिसेम ऑयल यानी तिल का तेल खेत से आने के बाद उसको मिल में लेके जाने के बाद, माने सूखने के बाद मिल में लेके जाके 10 किलो डाल दिया उस मशीन में, उसके साथ 1 किलो का गुड़ डालते हैं, साधारण गुड़, शुगर केन का गुड़ डाल के उसमें से उनको 4-5 लीटर मिलेगा, कभी उतना भी नहीं मिल सकता, मशीन के ऊपर है। तो उसका दाम ज़्यादा है। ये साधारण गुड़ डाल के भी बनाते हैं, और पाम जागरी यानी करुपट्टी यानी ताड़ी पेड़ का गुड़ वो महंगा है, 400 रुपये किलो है, वो डाल के भी बनाते हैं। ये किलो का 400 रुपये बोला तो एक एक सीजन में वो ऊपर नीचे होते रहता है, 350 300 से ऊपर 400 तक जाता है हमेशा। तो ये ताड़ी पेड़ का गुड़ डाल के बनाए तो और ज़्यादा दाम है उसका, लेकिन उसका तेल और अच्छा है। तो ये तिल का तेल पहले ज़माने से रसोई घर में इस्तेमाल करते थे। वो तो इडली में, डोसा के ऊपर, सांभर का राइस, चावल भात उसमें, और बाकी हजारों चीज़ में घर में खाने लायक चीज़ है। इसके अलावा हफ्ते में 2 दिन ये तेल मालिश करके नहाते थे, सर के ऊपर भी डालते थे, चेहरा में डालते थे,
पूरा शरीर में लगा के मालिश करके उसके बाद ये चना का दाल पाउडर करके उसको साफ करने के लिए, नहीं तो शिकाकाई पाउडर सोपनट पाउडर उससे साफ करते थे, शैम्पू नहीं डालते थे एक ज़माने में। थोड़ा सा तेल रहेगा सर के ऊपर चेहरा में रहेगा तो भी लोग उससे डरते नहीं थे, शर्म नहीं होते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा तेल रहेगा तो भी शर्म होता है। वो तेल ज़्यादा चेहरे पे रहने की वजह से उनका चेहरा अच्छा था एंड बीमारी नहीं आता था एंड उनका हेयर ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छा था। तो हफ्ते में 2 बार करते थे। तो असली तेल लेना ज़रूरी है, वो कहाँ मिलेगा ऑर्गेनिक दुकान में। अगर आप कभी गांव में जाते हैं वहाँ पर एक है मशीन है कहीं कोई तो भी बना रहा तो आप उनसे ले सकते हैं। नहीं तो एकदम अच्छा आइडिया है, 20,000 रुपये दिया तो कुछ कुछ जगह से आपको मशीन मिलेगा उसका ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन, वो घर में डाल दिया तो आपको तिल का तेल और कोकोनट तेल ये सब आप बना सकते हैं। आजकल ज़रूरी हो गया है इसे, अपना घर में रहेंगे तो कर सकते। तो लोग इकट्ठा रहेंगे तो बहुत फ़ायदा है, उनका सर्वाइवल होता है। इकट्ठा नहीं है, एक एक आदमी एक एक जगह जा रहा माने ठीक नहीं है, टूट गया पूरा, इकट्ठा नहीं है लोग तो उसमें ज़्यादा नुकसान, हर आदमी को नुकसान होता है। तो सिसमें आयल तबीयत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो गरम गरम उसको गरम बना के उसमें पापड़ फ्राई करना, फ्राई करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ज़्यादा गर्म किया तो उसका मैग्नीशियम चला जाएगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो तेल साधारण रिफाइंड ऑयल जैसे हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक दो फ़ायदा मिलेगा, कैल्शियम वगैरह रहेगा लेकिन मैग्नीशियम नहीं मिलेगा। तो ये ज़्यादा गर्म करने का चीज़ नहीं है, वी कॉल इट एज कोल्ड यूज़, सेसमे ऑयल तिल का तेल कोल्ड यूज़ करने के लिए, ठंडा यूज़ के लिए है, गर्मी यूज़ के लिए नहीं है। लेकिन इडली डोसा आपका प्लेट में डालने के बाद उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो बचपन में हम लोगों को याद है हम वैसे ही खाते थे, होटल में गए तो भी वो नीचे डालने के बाद तेल डालेगा, दादी माँ भी वैसे ही करती थी। लेकिन आजकल तेल में बहुत ये हो गया, चेंजेस आ गया, वो तबीयत के लिए बहुत नुकसान। तो आप अभी आप लोग ख्याल रखिए, सेसमे ऑयल तबीयत के लिए बहुत अच्छा है, सेसमे ऑयल अंदर जाना चाहिए खाने के साथ और बाहर शरीर के ऊपर भी लगना चाहिए। सर के ऊपर लगेगा तो बाल अच्छा रहेगा, ज़्यादा दिन रहेगा, खाला भी रहेगा, और सर के ऊपर लगाए तो आँखों तेज बन जाएंगे, कैटरक्ट भी नहीं आएगा, और ज़्यादा उम्र में आँख का थोड़ा प्रॉब्लम है, ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं तो ये ओरिजिनल तिल का तेल कहीं मिला तो लेके, ओरिजिनल होना चाहिए और उसको ऑर्गेनिक तेल बोलते हैं, कोल्ड प्रेस्ड सेसमे ऑयल बोलते हैं, उसको एक बूंद लेके आँख के चारों तरफ रात को लगा के सो सकते हैं, नींद आएगा और आँखों का पावर भी अच्छा रहेगा, माने बीमार नहीं पड़ेंगे, डिफेक्ट नहीं होगा, आँख का डिफेक्ट नहीं होगा। लेकिन सर के ऊपर शैम्पू डाल के, केमिकल डाल के और पूरा रासायनिक तेल डाल के किया तो आँख का प्रॉब्लम बहुत हो जाएगा, अंधा भी हो सकता है, केमिकल पूरा ब्रेन के अंदर चला जाएगा, बहुत नुकसान करने वाला चीज़ है वो सब। तो आप लोग ख्याल रखिए, ये सिसमे ऑयल अगेन औरत लोगों का माने फर्टिलिटी के लिए, पीरियड्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये इसीलिए इसको अंदर लेने का ट्रेडिशन था तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, लेकिन आज वो ट्रेडिशन नहीं है, सब चला गया, खराब हो गया, इसीलिए लोग सब सफरिंग में है, 100 में 100% सफरिंग है, बहुत रेयरली 0.001% को इनके इसके बारे में मालूम है, और बाकी लोग इस्तेमाल किया तो भी नकली तिल का तेल यूज़ करते हैं, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, नुकसान ज़्यादा है। तो ये पीरियड्स का रेगुलरिटी के लिए ज़रूरी है, और पेन रिलीवर है मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम का काम है टिश्यूज, मसल्स, जॉइंट, लिगमेंट, इसमें पेन कम करना, पेन को ज़ीरो करना, वो ये तेल कर सकता है।
इसीलिए ये ओरिजिनल तेल को साथ में लेके सीधा आयुर्वेद आयुर्वेद में पूरा तेल बनाया, ये घुटना का पेन है उसके लिए मसाज के लिए इसी को लेके करते हैं। लेकिन रिफाइंड ऑयल ससमे ऑयल में किया तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, नुकसान ज़्यादा है। तो औरत लोगों के लिए डिलीवरी के पहले, डिलीवरी के बाद भी, डिलीवरी के थोड़ा सा पहले भी पूरा 10 महीना पेट के ऊपर ये डाल दिया तो मैग्नीशियम ज़्यादा अंदर चला जाएगा। मैग्नीशियम का क्वालिटी है, ये काम है मैग्नीशियम का, वो स्किन में लगा दिया तेल तो मैग्नीशियम सीधा जाके ब्लड में नहीं जाते है, जाता है मसल्स के अंदर जाके बैठ जाए। मैग्नीशियम का जगह है मसल्स, मसल्स टिश्यूज लिगामेंट्स, और आँख अच्छा दिखना चाहिए बिल्कुल, कुछ भी शॉर्ट साइट लॉन्ग साइट नहीं होना चाहिए, तो ये तेल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये आँख में चश्मा नहीं लगाता एक ज़माने में तमिलनाडु में, बाकी जगह उत्तर में भी लोगों का खाना पीना बहुत अच्छा था, इसीलिए इसका ख्याल रखना चाहिए। तो बचपन से बच्चा हो गया 2 महीने का बच्चा को ये तेल मालिश करके पाँव के ऊपर डाल के, ऐसा वीडियो आप देखे होंगे, मालिश करके उसको नहाते और हफ्ते में एक बार नहीं तो रोज़ रोज़ नहाने ऐसा बात देने वाले भी है, वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, ग्रोइंग बेबी, क्योंकि उसका पाँव लंबा हो जाएगा और नर्वस सिस्टम पूरा उस ताकत आ जाएगा, और उनको हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सुविधा दादी माँ देती थी एक ज़माने में छोटे बच्चों को, 2 महीने के बच्चों, 1 महीने के बच्चों को सब ऐसा करते थे। तो इसीलिए ससमे ऑयल बोलते हैं तिल का तेल, तिल का तेल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। असली तिल का तेल 6 महीना तक रहेगा, अगर एक तिल का तेल 2 साल रहेगा, रिफाइंड ऑयल है वो, पैकेट में आता है, कंपनी का माल है, तो वो काम का चीज़ नहीं है। इसीलिए आप लोग अपना ही घर में बना के रखना ही अच्छा है, नहीं तो कोई पहचान वाला ऑर्गेनिक फार्मर है उनके पास ऑर्गेनिक तेल मिलता है तो उससे लेना पूरा था। सबका नमस्कार।